हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छी सी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आपके लिए एजुकेशनल काम या अदरवाइज पब्लिक या सोशल चैट वगैरह या आप कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं तो वो स्क्रीन शॉट एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। और वो एक स्क्रीन शॉट एप्लीकेशन नहीं है बल्कि एक स्मार्ट स्क्रीन शॉट एप्लीकेशन कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं जो आपके फ़ोन के स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक अच्छी सी एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट का रिव्यू करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा देखिए तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज करना भी आप काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्क्रीन मास्टर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके क्या खास और एडवांस फीचर हैं जो ये स्क्रीन मास्टर एप्लीकेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहले एक पॉपअप आएगा, तो चलिए इसको अलाउ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपको अलाउ कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शो फ्लोटिंग बटन, ठीक है, और यहाँ पे शो मेन्यू बटन एंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे टर्न ऑन स्क्रीन कैप्चर, तो आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे इसकी जो भी परमिशन मांगता है तो आपको अलाउ कर देना। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स प्रो का भी मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे अर्ली का कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे चाहे कर सकते हो, नहीं चाहना है तो कोई बात नहीं, नहीं भी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो वेब कैप्चर, स्विच फोटो, मार्कअप फोटो, तो यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉपअप सा आ गया, ये आप मेरी स्क्रीन के फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए हम आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ वहाँ से कैसे फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना फेसबुक ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो कैसे लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली ये फोटोज है, तो यहाँ पे सिंपल आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐसी फोटो शॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, जितनी मर्जी चाहे क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल ये इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्विच का ऑप्शन आता है, स्विच करेंगे जैसे आप यहाँ पे जितनी मर्जी फोटो ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक फोटो ले लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको जैसे मैं स्लाइड करूँगा ये इतना, ठीक है, तो फिर एक और फोटो ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साइड में आप देख सकते हो दो फोटो ऐड हो गई। तो फ्रेंड जैसे मैं और नीचे स्लाइड करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और फोटो ऐड करता हूँ, तीन फोटो। इस तरीके से आप जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी फोटो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड करने के बाद ओके कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ऐड ओके करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी लंबी फोटो बनी गई है। आप चाहो यहाँ से कट कर सकते हो, और सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको सेव करके दिखाता हूँ और ये फोटो सेव हो गई। आप देख सकते हो ये कितनी लंबी फोटो बनी है। इस टाइप से आप एक तरह से पूरे मकान की फोटो ले सकते हो स्क्रीनशॉट करके, ठीक है फ्रेंड्स। और ये काफ़ी अच्छा एडवांस फीचर। और अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, जैसे कि मैं एडिटिंग करके भी दिखाता हूँ आपको, तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे एक फोटो इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, तो क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सिंपल आपको एडिट पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पे जो सकते हैं स्टिकर्स वगैरह, ड्रॉ वगैरह, स्पॉट लाइट्स। यहाँ पे आपको किसी चीज़ को ब्लर करना तो सिंपली आपको एक ऑप्शन आएगा, ऐसे करके आप इसको यहाँ से टैप करके ब्लर कर सकते हो जितनी मर्जी उतनी चीज़ों को, ठीक है। तो इससे फ्रेंड्स ये पता नहीं चलेगा यहाँ पे साइड में क्या था। तो सिंपल आप इस टाइप से ब्लर कर सकते हो, चाहे यहाँ से आप नीचे ब्लर कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ भी ब्लर कर सकते हो जो आपका दिल करे, जो उन सभी पार्ट हटाना हो। तो यहाँ पे ब्लर के भी काफ़ी एडवांस फीचर आते हैं, और यहाँ पे ड्रो लिख सकते हो, स्टिकर्स वगैरह चिपका सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगता है। टेक्स्ट वगैरह पे लिख सकते हो कि ये चीज़ का स्क्रीनशॉट है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा स्क्रीनशॉट है, और करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और अपने फ़ोन में डाल सकते हो, और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी कमाल का स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार लगी फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ऑसम लगी, काफ़ी कमाल की लगी। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और मेरी वीडियो का इंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।